नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लगाकर हम मात्र एक एकड़ से मात्र 40 से 45 दिन में एक एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलों में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें कौन से कार्य करना है, हम किस तरीके से सब्जी वर्गीय फसलों की देखभाल करें और हमें कौन सा खाद उर्वरक अपने खेतों में डालना है, इस पर डिटेल्स चर्चा आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रचक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम 15 अक्टूबर से लेकर 25 और 30 अक्टूबर तक अपने खेतों में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं, ऐसी कौन सी फसल का चुनाव करें जो कम समय में कम लागत में अच्छा खासा और मोटा मुनाफा हमें जिससे हो जाए। इन सब्जी वर्गीय फसलों की देखभाल हमें कैसे करना है, कौन सा खाद डालना है, किस मेथड से हमें लगाना है और किस तरीके से हम सब्जी वर्गीय फसलों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक हम कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो किसान साथी, यदि आप बड़ी सिटी के पास में रहते हैं और आपके पास में खेती के लिए जो जगह है वो बहुत कम है और आप सोच रहे हैं कि उसी जगह से हमें लाखों रुपए कमाना है तो हम कौन सी फसलें लगाएं, तो किसान साथियों सबसे पहले हम उन्हीं किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे। अभी समय है, आप अभी उस जगह पर अपने जो खेत हैं वहाँ पर आप एग्जोटिक वेजिटेबल्स की खेती कर सकते हैं, विदेशी सब्जियों की खेती, जो कि इनकी डिमांड बड़ी बड़ी सिटियों में 5 स्टार होटलों में काफ़ी ज़्यादा रहती है और इनके मंडी रेट काफ़ी शानदार रहते हैं। करीबन 200, 250 और 300 रुपए केजी यह सब्जियां बिकती हैं। तो ऐसे में आपके पास में काफ़ी अच्छा चांस है, काफ़ी अच्छा समय है। यदि आप इस समय अपने खेतों में इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा इनसे कमा सकते हैं। यदि हम बात करें कि इस समय हम अपने खेतों में एग्जोटिक वेजिटेबल्स में कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं, तो किसान साथियों सबसे पहले बात आती है ब्रोकली की। किसान साथियों, आप ब्रोकली की खेती करके अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रोकली के मंडी रेट की बात करें तो 100 रुपए से ऊपर रहते हैं, हमेशा 100 रुपए के नीचे ब्रोकली के जो रेट हैं वो नहीं आते हैं और बड़ी बड़ी सिटियों में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और इसकी जो खेती है बहुत बहुत कम क्षेत्रफल में होती है, जिससे कि इसकी जो मांग है वो हमेशा बनी रहती है। तो आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती के लिए आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। नर्सरी तैयार करने के बाद में जैसे हम गोभी की खेती करते हैं वैसे ही ब्रोकली की खेती होती है, तो आप ब्रोकली की खेती करें। यदि इसके ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर हम डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। दूसरी जो फसल है वो है एग्जोटिक वेजिटेबल्स में जुकनी की खेती। किसान साथियों, यह भी कलर मेड जो जुकनी आती है, येलो है, ग्रीन है, तो इन एग्जोटिक वेजिटेबल्स में आप जुकनी की खेती भी कर सकते हैं। यह भी काफ़ी शानदार फसल है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इसके जो मंडी रेट हैं वो भी 150 से 200 रुपए केजी आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इन फसलों की यदि आप खेती कर रहे हैं तो आप छोटी छोटी जगह में इनको लगाएं। यदि आप एग्जोटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग कर रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मार्केट का जायजा लेना पड़ेगा। आप अपने मार्केट में जाके देखें कि ऐसी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं इनकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो है कि नहीं है आपके क्षेत्र में। यदि आपके क्षेत्र में इन फसलों की डिमांड है तो आप इनकी खेती अवश्य करें, काफ़ी अच्छा पैसा देती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इन फसलों से होता है। और किसान साथियों, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, उसमें हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे, पोषक तत्वों का प्रबंधन यदि हम सही से करेंगे तो हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में उत्पादन जो है वो बढ़ के आएगा, रिकॉर्ड तोड़ आएगा और हमारी फसल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार रहेगी, हमारी फसल में रोग बीमारियां बहुत कम आएंगी। तो किसान साथी, इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। आप गहरी जुताई कराएं, उसके बाद में कल्टीवेटर कराएं, उसके बाद में आपको रोटर वेटर चलाकर खेत को अच्छी तरीके से महीन बनाना है। सब्जी वर्गीय फसलों के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, ऊपर सरफेस में रहती हैं, तो हमें न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं तो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी शानदार आता है। न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो किसान साथियों, हमें बेसल खाद पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप बेसल खाद पर विशेष ध्यान दें। और ख़ास तौर पर सब्जी वर्गीय फसलों के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप ऑर्गेनिक कार्बन वाले खाद अपने खेत में डालते हैं तो आपको वहाँ पर आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर देखने को मिलता है। तो किसान साथी, यदि हम बेसल खाद की बात करें
तो हमें सबसे पहले तो अपने खेत में कंपोस्ट खाद डलवाना है। 2 से 3 ट्राली हम अच्छी गोबर की कंपोस्ट की हुई खाद का यूज करें। यदि हमारे पास में कंपोस्ट खाद अवेलेबल नहीं है तो हम जो रासायनिक खाद ले रहे हैं, यूरिया है, DAP है, पोटास है, तो उसके साथ में हमें प्लांटो का यूज करना है। यह काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है, जैविक अर्क सेंद्रिय उत्पाद है, काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके आते हैं। तो इसको आप 25 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अनुसार इसको डलवा सकते हैं। यदि आपकी जो फसल है, जो सब्जी वर्गीय फसल है, जो कम दिन की फसल है, उसमें 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डलवाना है। यदि आपकी जो फसलें हैं वो 6 महीने या 8 महीने चलने वाली हैं तो उनमें आप 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डलवा सकते हैं। इसको आप अनाज वर्गीय फसलों में भी डलवा सकते हैं, जैसे कि गेहूँ है, धान है, चना है, मसूर है या गन्ना है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है। और किसान साथियों, इसमें बहुत से पोषक तत्व हैं। ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो काफ़ी अच्छी मात्रा इस ऑर्गेनिक कार्बन की है, तो काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें डालने से अपनी फसल में दिखते हैं। सबसे पहले तो यह पौधों की वृद्धि विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक है। पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी और तेज़ी से होती है। यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत तेज कर देता है, जिससे कि क्लोरोफिल अच्छे से बन पाता है और पौधा अच्छे से न्यूट्रिशन अपटेक कर पाता है। और किसान साथियों, हमारी खेत की मिट्टी का जो pH है वो यदि कम है या ज़्यादा है तो उसको यह मेंटेन कर देता है, उसको बैलेंस करता है। तो किसान साथियों, आप सब्जी वर्गीय फसलों में इसका प्रयोग जरूर करें। और किसान साथियों, इसको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसको यदि आपको बुलवाना है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, नंबर दे देता हूं, तो आप वहां से जाकर इसको बुलवा सकते हैं। और किसान साथियों, इस खाद के साथ आप रासायनिक जो खाद डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम कर भी डालेंगे तब भी आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह हमारी खेत की मिट्टी को ठीक करता है, स्वस्थ करता है, मजबूत बनाता है और फसलों को ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन को बढ़ा देता है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हम अपनी फसलों से लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि हम और कौन कौन सी फसलें अक्टूबर के माह में लगा सकते हैं। यदि हम बात करें कि 15 अक्टूबर से लेकर 25 और 30 अक्टूबर तक हम अपने खेतों में और कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं, तो किसान साथियों, इसमें आप पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। काफ़ी शानदार फसल है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। पत्ता गोभी की खेती से भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। पत्ता गोभी की यदि हम उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों, पत्ता गोभी का प्रति एकड़ उत्पादन 150 से 200 क्विंटल बहुत आसानी से आ जाता है। यदि आपने सही से मैनेज कर लिया तो यह 200 के ऊपर भी उत्पादन दे देती है और इसके मंडी रेट 20 रुपये से कम कभी नहीं होते हैं और 40-50 रुपए केजी यह मार्केट में जाता है। और आने वाले समय में पत्ता गोभी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किसान साथियों, आप पत्ता गोभी की खेती इस समय पर कर सकते हैं। अभी आप अपने खेतों में नर्सरी तैयार कर लें, यदि नर्सरी तैयार है तो आप अपने खेतों में इसकी रुपाई करा सकते हैं। दूसरी जो फसल है वो है टमाटर की फसल। किसान साथियों, आप अपने खेतों में अभी टमाटर की रुपाई करा सकते हैं। काफ़ी शानदार फसल है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि टमाटर के जो मंडी रेट हैं वो 150, 200 और 300 रुपये केजी तक चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें टमाटर की फसल अच्छा खासा और शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। यदि आप इस समय टमाटर की खेती करेंगे तो आने वाले समय में टमाटर के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान साथियों, बहुत से किसान साथी टमाटर की जो खेती है वो जून और जुलाई के महीने में करते हैं और वो टमाटर लगभग दिसंबर तक चलता है और दिसंबर के बाद में उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत डाउन हो जाती है। और ऐसे में अभी यदि आप अपने खेत में टमाटर की खेती करेंगे तो आपको काफ़ी शानदार मंडी रेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी का लगाया हुआ टमाटर की जो हार्वेस्टिंग है वो दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट होगी और उस समय आपको मंडी रेट काफ़ी शानदार मिलेंगे। क्योंकि जब मंडी में जो सब्जी वर्गीय फसलों की आवक है वो कम हो जाती है तो ऐसे में मंडी रेट बढ़ जाते हैं और उसी का यदि बेनिफिट आपने ले लिया तो आप लाखों रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक और 30 अक्टूबर तक आप गाजर की खेती भी कर सकते हैं। गाजर की खेती के लिए भी काफ़ी शानदार समय है। अभी आप यदि गाजर की खेती करेंगे तो आपको मंडी रेट भी शानदार मिलेंगे, उत्पादन भी शानदार आएगा और गाजर की फसल में रोग बीमारियां बहुत कम लगती हैं, कम लागत लगती है और छोटे से छोटा किसान भी इस खेती को करके, नया किसान भी यदि है जो पहली बार सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहा है, वो भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा इस फसल से कर सकता है और आसानी से इसको ग्रो कर सकता है। तो आप गाजर की खेती करें। किसान साथी, यदि आप इन फसलों को अपने खेत में 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लगा देंगे तो काफ़ी शानदार उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और अच्छा खासा मोटा मुनाफा आप अपने खेतों से कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और किसान साथियों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।